अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़ान। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्राउज़र जो होता है क्रोम, उसमें आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे मैनेज रख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो काइंडली आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलिए मैं अपने क्रोम में चलता हूँ और आपको ए टू जेड जो है वो सारी सेटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरा न्यू चैनल है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसके आप सब्सक्राइबर चेक कर सकते हैं, 825 सब्सक्राइबर हैं। और ये तकरीबन मैं आपको स्टार्ट से बता, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड का। यहाँ पर आपको जो लास्ट वीडियो आपने अपलोड की होती है वो यहाँ पर शो हो जाती है। और यहाँ पर गो टू वीडियो एनालिटिक्स और यहाँ पर सी कमेंट, जो भी इसका एनालिटिक्स हो वो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और कमेंट्स भी। और इसके बाद ऑप्शन आपको मिल जाता है जी पब्लिश्ड वीडियो, जो लास्ट आपकी 4 से 5 वीडियोस होती हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं जो आपने पब्लिश्ड की होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपके सब्सक्राइबर की जो भी समरी होती है, जो आपकी टॉप वीडियोज़ होती हैं, वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। और उसके बाद लेटेस्ट जो होते हैं कमेंट्स आपकी वीडियो पर, और रिसेंट जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होता है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। और यहाँ पर यूट्यूब की जो भी न्यू अपडेट होती है, जो भी आइडियाज़ होते हैं, वो यहाँ पर आपको साथ साथ शेयर कर दिया जाता है। और नीचे का आपको एक फीचर मिलता है व्हाट इज़ न्यू इन स्टूडियो, जो स्टूडियो बीटा आया है यूट्यूब का न्यू स्टूडियो, इसके बारे में आप कंप्लीट जो है कस्टमाइज वो आप यहाँ से सीख सकते हैं अगर आपको नहीं करना आता। तो उसके बाद चलते हैं कुन इन ऑप्शंस की जानब। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद चलते हैं हम वीडियोस की जानब कि इस सेक्शन में आपने क्या करना होता है और कैसे इसको आपने मैनेज करना होता है। यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो शो करवा दी जाएंगी। यहाँ पर आपको एक ये आइकन मिलता है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो लिखा है इसके साथ, जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी सारी वीडियोस। आप इनको किसी प्लेलिस्ट में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, न्यू प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। और अगर आप इनको यहाँ से एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप सभी वीडियोस के, जब आप ऐसे करते हैं तो आप सभी वीडियोस के फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइटल्स लिखेंगे तो ऑल वीडियोस के टाइटल चेंज हो जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑल वीडियोस की चेंज हो जाएगी। और जी हमारे पास है जी टैग्स, टैग्स अगर आप लगाएंगे तो फिर ऑल वीडियोज़ के टैग्स भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर विजिबिलिटी है, ऑडियंस है, कैप्शन सर्टिफिकेट है और कैटेगरी है और कमेंट्स हैं, एम्बडिंग है, लाइसेंस है, रिकॉर्डिंग डेट है, यूज़र रेटिंग है, वीडियो लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी बहुत कमाल की जो आपको मैंने सेटिंग बताई है। और यहाँ पर मोर ऑप्शन के ऊपर आपने चले जाना है और यहाँ पर आपको डिलीट फॉर एवर या डाउनलोड, इसको आपने नहीं कुछ भी करना। और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जी, आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपने अपनी तैयार कर लेनी है, बना लेनी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप जो जो वीडियो बनाते हैं उनकी आपने ऐसे प्लेलिस्ट बना लेनी है। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताते हैं तो आपने उसकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनानी है। अगर आप जो है जी यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक देते हैं तो उसकी अलग-अलग आपने प्लेलिस्ट, ऐसे आपने प्लेलिस्ट बना लेनी है। उसके बाद अभी आ जाता है जी एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपको शो करवा दूँ कि यहाँ पर आपको एनालिटिक्स में होता है जो ओवर रिव्यू, ये आपके पूरे चैनल का ओवर रिव्यू होता है कि आपके चैनल पर क्या हो रहा है लास्ट 28 दिन तक क्या आपके चैनल पर होता रहा है, वो आपको रिसेंट रिपोर्ट जो होती है वो यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आपको व्यूज़ बताए जाते हैं कि व्यूज़ यहाँ पर आए हैं जी 1.1 हज़ार व्यूज़ आए हैं और कितना वॉच ओवर आपको आया है और सब्सक्राइबर आपको कितने मिले हैं। और यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाते हैं और टॉप वीडियो जो होती हैं आपकी अच्छी चलने वाली वो भी आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं, और इनकी क्या ऑडियंस टेंशन है, क्या इनका जो है सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप साथ में देखें तो आपको एक एडवांस मोड का नज़र आता है। अगर आप एडवांस मोड में जाएंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ एडवांस मोड में। यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर आपको जो होता है ना, इसकी आप ट्रैफिक सोर्स देख सकते हैं, जियोग्राफी देख सकते हैं और व्यूवर्स एज देख सकते हैं,
व्यूवर्स जेंडर देख सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको इनकी रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं जो भी आपकी हो, जो पब्लिशिंग हो, डिवाइस हो, जियोग्राफी हो, सब्सक्रिप्शन स्टेटस हो। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ जी आउट, और यहाँ से चलते हैं जी बैक। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका साथ जो है एनालिटिक्स यहाँ पर भी शो होता है चैनल का, जो जो भी आपके चैनल के साथ हो रहा है। और ये लेटेस्ट वीडियो होती है, जो सबसे लास्ट वीडियो होती है, वो यहाँ पर आपकी वहाँ पर भी शो होती है, यहाँ पर भी शो कर दी जाती है। उसके बाद रीच के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रीच है यहाँ पर सबसे पहले इम्प्रेशन शो करता है कि आपकी कितनी इम्प्रेशन पड़े हैं आपके चैनल के। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्लिक थ्रू रेट होता है, जिसे हम CTR बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको शो करता है। और यहाँ पर 1.0 के जो है व्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर आपके अपने हो गए व्यूज़ शो करता है। यूनिक व्यूवर जो है जिन्होंने लास्ट आपकी वीडियो देखी है और आपको जिनसे वाउचर मिला है, वो भी यहाँ पर आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स है, और हमारे पास इम्प्रेशन है, और यहाँ पर व्यूज़ कितने आए हैं, इम्प्रेशन से 2100 इम्प्रेशन है, जिनमें से 963 हैं। और यहाँ पर सारी सेटिंग्स वगैरह बताई गई हैं। और इंगेजमेंट इंगेजमेंट जो है वो यहाँ पर आपको वॉच हॉर्स भी दिखाई जाती है, और कितनी वीडियोस जो आपकी ऑडियंस है वो कितनी आपके साथ इंगेज कर रही है। उसके बाद ऑडियंस यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये ऑडियंस की लिस्ट होती है जो आपकी वीडियोस को वॉच करते हैं। यूनिक व्यूवर जो ऐसे मैंने आपको बताया ये होते हैं, आपको यहाँ पर आपके चैनल पर मिल जाएंगे। और एवरेज व्यू पर व्यूवर और कितना होता है आपके पास ये, और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स। अब यहाँ पर वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर आपको दिखा देता है, टॉप पाकिस्तान कौन सी आपको कंट्री से आए हैं, और यहाँ पर आपको सब कुछ बता देता है, फीमेल मेल और कितनी एज है उनकी जिन्होंने आपको किया है जी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स पर आप आ जाए तो यहाँ पर आपको कमेंट्स दिखाए जाएंगे जिन्होंने रिसेंटली आपको यहाँ पर कमेंट किया होगा, तो यहाँ पर आपको कमेंट भी यहाँ पर शो करवा देगा, कौन सी वीडियो पर किया है, सब कमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाए। उसके बाद आता है सबटाइटल्स का, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा सबटाइटल्स क्या होते हैं, आप सबटाइटल्स कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मेरी ये वीडियोस है, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर इस वीडियो में मैं सबटाइटल्स ऐड करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर इसका जो टाइटल है वो मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है, और जो वीडियो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैंने उर्दू में बताया हुआ है। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में करूँगा तो इसकी मैं जो वीडियो लैंग्वेज है ना इसमें मैं ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसमें 5, 7, 15, 20 ज़ुबानें ऐड कर दूंगा तो जो बाहर की कंट्रीज़ होती है ना वो जब मेरी वीडियोस देखेंगी साथ मेरी लैंग्वेज, फिर उनको समझ आएगी, क्योंकि वो जो सब टाइटल्स है वो खुद ब खुद चलेंगे और वो इंग्लिश में चल जाएंगे साथ, जैसे मैं उर्दू में बोलता जाऊँगा वो साथ इंग्लिश में चलते जाएंगे। तो ये भी बहुत कमाल की जो मैंने आपको सेटिंग बता दी है। उसके बाद हमारे पास कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो फिर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, नहीं मोनेटाइज तो फिर भी आपको शो हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देता है किसी भी किस्म की, या कोई भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन टैब मिल जाती है, यहाँ पर आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे जो है वो वॉच टाइम यहाँ पर आपको चाहिए। आप देख सकते हैं टू एज ए यूट्यूब पार्टनर यू यू विल बी एलिजिबल टू अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोस, गेट क्रिएटर सपोर्ट एंड मोर। टू गेट इन टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यू चैनल नीडेड टू हैव 4,000 पब्लिक वॉच ओवर्स फ्रॉम द लास्ट पर मंथ एंड 1,000 सब्सक्राइबर। यू चैनल विल आल्सो गेट रिव्यू टू मेक श्योर दैट इट्स फॉलोअर्स। ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इट फॉलोज, तो यहाँ पर आपको 1,000 सब्सक्राइबर
और 4000 घंटे जो वॉच टाइम है वो आपको जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ का। आपने सिंपली सा करके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक होता है पार्टनर प्रोग्राम का, दूसरा होता है जी गूगल एडसेंस का, तीसरा होता है जी हमारे पास जी वो रिव्यू का। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह कभी फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको अभी मैं बता देता हूँ जी कस्टमाइजेशन का। ये हमारे पास एक मोनेटाइजेशन टैब के नीचे है जी कस्टमाइजेशन। तो ये जैसे ओपन होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करते हैं जी, ये हमारे पास कस्टमाइजेशन खुल गई है। चैनल मोनेटाइजेशन कस्टमाइजेशन, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है लेआउट, दूसरा मिलता है ब्रांडिंग, तीसरा मिलता है बेसिक इन्फो। अब सबसे पहले लेआउट में क्या है, चैनल ट्रेलर है। आप अपने चैनल के स्टार्ट में जब कोई आपके चैनल पर आएगा तो आप एक वीडियो लगा सकते हैं जिसको आपने काफ़ी सारे आपके सब्सक्राइबर हों और जिसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ है, ताकि जो अगला बंदा है व्यूवर आए वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ताकि उसको देखने में अच्छा लगे कि इसके चैनल पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और ये भी काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी हैं जो होती हैं, अभी आई थिंक आने वाला है वो भी फ्यूचर। तो अभी ये सेक्शन आ गया है स्टूडियो बीटा में, इंशाल्लाह वो भी यूट्यूब में भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपकी वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर अपने कोई भी जो अच्छी वीडियोज़ है वो लगाना चाहते हैं अपने ट्रेलर में, तो यहाँ पर आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो सेलेक्ट करनी है आपकी, लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्रांडिंग का। तो ब्रांडिंग में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, पहला होता है आपका लोगो, दूसरा होता है चैनल आर्ट जिसे हम बैनर भी कहते हैं, और तीसरा होता है ये जो नीचे आपको लोगो होता है डिस्प्ले टाइम वाटरमार्क जो नीचे होता है ना, अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये खुद ब खुद सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग होती है। सबसे पहले आपने अगर अपना लोगो लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू, या इसको पहले अगर आपका लगा हुआ है तो इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से चेंज करेंगे तो लोगो लग जाएगा। ये भी बिल्कुल तीनों सेटिंग ऐसे ही है, तो ये भी आपने ज़रूर कर लेनी है ताकि जो भी आपके चैनल को देखे तो उस आपकी चैनल की अच्छी लुक उसको नज़र आए। उसके बाद बेसिक इन्फो में आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और अपने चैनल का नाम आपका लगा होगा या नहीं लगा तो आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख कर आपका जो यूआरएल है वो यहाँ पर आपको शो होगा, चैनल का जो यूआरएल होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिंक ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी कोई फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और भी कोई आपका अकाउंट है, तो यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं कि कोई भी व्यूवर आपके चैनल पर आए और वो आपके साथ इंस्टाग्राम पर अटैच हो सकता है, फेसबुक पर हो सकता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि ट्विटर है उस पर हो सकता है, और जो हमारे पास टेलीग्राम है सभी आप लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाता है जिसमें आप अपना नंबर भी दे सकते हैं और अपना जीमेल भी दे देते हैं, ठीक है। जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर पब्लिश ऊपर क्लिक कर देना, और साथ में आपको एक छोटा सा आइकन मिलता है व्यू चैनल का, तो इसको मैं लेकर आपको चलता हूँ। तो यहाँ से अभी इसको मैं बैक करता हूँ, ये स्टूडियो बीटा में ऐसे नहीं खुलता, मैं आपको दोबारा इसका बताऊँगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पर जी हमारे पास जो होती है लाइब्रेरी आई थिंक, तो ऑडियो लाइब्रेरी में हम आ जाते हैं यूट्यूब के जो ऑफिशियल जो होता है जी म्यूज़िक ऑडियोज़। यहाँ पर आप कोई भी जो है ना ऑडियो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री कॉपीराइट, और ये यूट्यूब की है, इसके ऊपर आपको कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। और जो यूट्यूब की सारी होती हैं ये आप फ्री होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऊपर कैटेगरी भी मिल जाएंगी इनकी, आप यहाँ पर लाइब्रेरी फ़िल्टर लगाकर भी जो आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक टाइटल मिल जाता है, जेनर मिल जाता है, मूड मिल जाता है, आर्टिस्ट मिल जाता है, ड्यूरेशन, लाइसेंस टाइप, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि किस किस को तरीकों ये एडिड यहाँ पर हुई हैं, लगाई गई हैं।
और ये बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जी लाइब्रेरी में सॉन्ग। और उसके बाद आ जाता है सेटिंग का ऑप्शन, तो मैं इसके बारे में आपको भी बता दूँ। यहाँ पर आप जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा चैनल का, नहीं सॉरी जनरल का, और उसके बाद चैनल का, अपलोड डिफॉल्ट्स का, परमिशंस का, कम्युनिटी का, एग्रीमेंट्स का। ठीक है, आपने यहाँ पर सबसे पहले जनरल के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास करेंसी जो होगी वो यूएसडी यूएस डॉलर में होगी। अगर आप इसको इंडिया में पाकिस्तान में अपने में करना चाहते हैं तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने इसको यूएसडी डॉलर ही रहने देना है। यहाँ पर मैं इसको यूएसडी डॉलर ही कर दूँगा। यहाँ से मैं एक बार इसको कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको जी यूएस डॉलर ही रहने देना। और भी बहुत सारी आपको पाकिस्तानी भी मिल जाती हैं करेंसीज, इंडियन करेंसी, सऊदी अरबी, और भी बहुत सारी करेंसीज आपको मिल जाती हैं जैसे कि यमनी रियल, साउथ अफ्रीकन, तो बहुत सारी, लेकिन आपने इसको यूएसडी यूएस डॉलर पे ही रहने देना है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको चैनल का। चैनल में आपको मिल जाता है जी, सबसे पहले आपको मिल जाता है जी बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में आपको मिल जाता है जी आपके चैनल का नाम, जो भी आपका चैनल का नाम हो वो यहाँ पर आपको शो होगा। फिर आपको कंट्री शो होगा कि आपका चैनल किस कंट्री में है। उसके बाद आपको ऑप्शन शो होगा कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने नहीं लगाए अपने यूट्यूब चैनल में तो आप अभी के अभी लगाएं। इसमें फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आपका चैनल रैंक नहीं हो रहा और टॉप पे नहीं आ रहा तो आपका जो चैनल है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरा चैनल है टेक्निकल फैज़ान, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा फैज़ान टेक्निकल, टेक्निकल फैज़ान, तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी बंदा सर्च करेगा तो मेरा चैनल वो थोड़ा सा उससे रैंक करेगा तो मेरा चैनल उसको ईजिली से मिल जाएगा। अगर आप ये कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो फिर आपका चैनल हो सकता है कि सर्च में ना आए, तो इसलिए ज़रूरी है आप इस कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि बात ऐसी है कि व्यूवर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो एक बार सर्च करता है, अगर आपका चैनल आ गया तो फिर वो आपकी वीडियोस को देख लेता है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, अगर नहीं आया तो फिर गया बाढ़ में। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया सिस्टम सारा, आपने कीबोर्ड चुन चुन के लगा लेने जो भी आपके चैनल में, और साथ जिस चीज़ पर आप वीडियो बनाते हैं 4 से 5 कीबोर्ड वो भी आपने यहाँ से लगा लेने हैं। अगर कोई वीडियोस आपकी सर्च करेगा तो फिर भी आपका चैनल सर्च में आ सकता है, तो इसलिए आपने जो टॉप पर आपकी वीडियोस हैं वो आपने यहाँ पर 4-5 लगा देने हैं, जिस पर आप अपने चैनल पर कैटेगरीज को कंट्रोल करते हैं, जिस पर आप वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में सबसे पहले आपको ऑडियंस मिल जाती है, उसके बाद आपको मिल जाता है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड, क्या आपका जो चैनल है वो बच्चों के लिए है। तो आपका अगर चैनल यहाँ पर किड्स के लिए है तो आपने यहाँ पर कर देना यूएस माई चैनल जो है सेट द चैनल मेड फॉर किड्स, आई मैंने हमेशा जो कंटेंट अपलोड किया है वो बच्चों के लिए किया। अगर आप नहीं बच्चों के लिए करते और आपकी वीडियोस जो है वो बड़े लोगों के लिए जैसा कि चिल्ड्रन के बच्चों के लिए नहीं है तो आपने यहाँ पर कर देना नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड, आई नेवर अपलोड कंटेंट ऑफ योर मेड फॉर चिल्ड्रन, कि मैं बच्चों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, मैं कभी भी नहीं बनाई और मेरा कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, तो आपने यहाँ पर कर देना। असल में इसमें मसला क्या होता है, अगर आप ये वाला करोगे तो आपको इनकम भी बहुत कम आएगी जो किड्स वाला है, यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो इस पर आपको इनकम भी कम होगी और आपको व्यूज़ भी कम आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर करेंगे नॉट मेड फॉर किड्स तो आपको यहाँ से इनकम अच्छा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, तो यहाँ से आप अपना जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक कर सकते हैं अपनी वीडियोस के साथ। तो यहाँ पर भी अभी ये ऑप्शन देखने को अपडेटेड मिल चुका है चैनल में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जी ऑटो जनरेटेड कैप्शंस, डू नॉट शो पोटेंशियली इन अप्रोचिएट वर्ड, तो
ये आपको यहाँ पर ऑफ ही रखना है, डिसेबल ही रखना है इसको आपने, जो ऑटो जनरेटेड कैप्शन होता है इसको आपने वो डिसेबल। अब यहाँ पर आपको पता लग जाएगा सब्सक्राइबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपके यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर कम है, आप उसको हाइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको अनटिक करेंगे तो आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अगर आप इसको टिक करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो सब शो हो जाएंगे देखने वाले व्यूवर्स को। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है तो इसको भी आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूँ जी फ्यूचर अवेलेबिलिटी में, कि आपको कौन कौन से फ़ीचर यहाँ पर मिले हुए हैं। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट फीचर्स है अपलोड वीडियो, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड सेलिब्रेशन और आप कर सकते हैं जी कलेबरेट्स एंड न्यू वीडियोस टू प्लेलिस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको करता हूँ जी ओपन। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फीचर में हमें कौन कौन से फ़ीचर मिले हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ऐड सेलिब्रेटर्स टू प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियोस टू एक्सिस्टेंस प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन चैनल इज़ फ्री, यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर शो होती है। पहले होता था स्टेटस एंड फीचर, अभी आई थिंक यूट्यूब ने ये मामला ही ख़राब जो है ख़राब करके ख़त्म कर दिया। अभी यहाँ पर भी जो आपकी स्ट्राइक होती है वो आपको शो हो जाती है। यहाँ पर चैनल इज़ फ्री फॉर एक्टिव कम्युनिटी, अभी इसके ऊपर कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं, एकदम फ्रेश और फ्री चैनल है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है जी, आप देख सकते हैं कि फ्यूचर जो सेकंड ऑप्शन हमें प्रोवाइड होता है फ्यूचर दैट रिक्वायर्ड फ़ोन वेरिफिकेशन, तो आपने ये ज़रूर कर लेनी है। अगर आपने नहीं की अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई इसमें कर लेना है, तो मैंने किए हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल्ड है। तो अभी अगर आप फ़ोन नंबर कर लेंगे तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद कस्टम थंबनेल अपना लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपील कॉन्टैक्ट ID क्लेम्स कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और अभी आपका मैं बताता हूँ अपलोड डिफॉल्ट्स का कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैं अपलोड डिफॉल्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है जी एडवांस्ड। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता दूँ कि यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर कोई टाइटल लगाना है तो वो आपकी सारी वीडियो में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अपलोड डिफॉल्ट्स का ये मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन का भी यही होता है कि अगर आपने जैसे को कीवर्ड्स लगाने हैं, हैशटैग लगाने हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वो ऑल वीडियो में आपके यूज़ होंगे पूरी ज़िंदगी, अपलोड डिफॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी है वो आपने यहाँ से करनी है जी प्राइवेट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्राइवेट करेंगे तो फिर ही आप अपनी वीडियोस को अपलोड करके फिर आप उसको पब्लिक करेंगे, प्राइवेट में ही आपको करना है, आपको स्टार्ट में ही पब्लिक नहीं करना, तो इसलिए इसको यहाँ पर आपने प्राइवेट ही रखना है। उसके बाद टैग्स जो है वो आपने यहाँ पर जो अपने लगाना चाहते हैं, ये टैग्स आपकी वीडियोस के नीचे पहले से लगे हों जब वीडियो अपलोड करें, तो यहाँ पर जितने भी टैग्स हैं वो आपने लगा दें। और यहाँ से सेव के ऊपर आपने जी कर लेना जी क्लिक, सेटिंग सेव्ड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है परमिशन का, तो यहाँ पर हमारे पास परमिशन जो आपके चैनल का नाम है वो यहाँ पर शो होगा, और यहाँ पर नेम उसका शो होगा, और एक्सेस यहाँ पर आपको शो होगी कि ये जो चैनल है कितनी ईमेल आईडी पे एक्सेस है और इसका ऑनर कौन है और कौन इसे हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसकी ईमेल होगी, जो उसका ऑनर होगा, वो यहाँ पर शो कराएगा कि ये इसका ऑनर है। आप इसको बदल भी सकते हैं, आप यहाँ पर इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे किसी और को भी इसका ऑनर बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जी कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है ऑटोमेटेड फिल्टर, दूसरा मिलता है डिफ़ॉल्ट। तो मॉडरेटर्स, पेस्ट ऑफ चैनल यूआरएल ऐड और अप्रूव्ड यूज़र, और यहाँ पर आपको पेस्ट द चैनल यूआरएल ऐड अप्रूव्ड यूज़र, तो इसके बारे में आपको नहीं जाना, ये आपको इसके बदले में नहीं जाना। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जी डिफ़ॉल्ट का,
तो यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियोस के कमेंट जो हैं वो आप होल्ड करना चाहते हैं, पोटेंशियली इन अप्रिशिएट करना चाहते हैं ये कमेंट फॉर रिव्यू होल्ड ऑल कमेंट, तो आप यहाँ पर होल्ड ऑल कमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर ओलो ऑल कमेंट करूँगा कि मैं जो भी मुझे कमेंट करे वो मुझे शो हो। उसके बाद यहाँ पर कमेंट योर डेजिनेशन टैब, यहाँ पर भी मैं अगर आप करना चाहें कमेंट को डिसेबल भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, इन अप्रिशिएट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी एलो ऑल कमेंट पर करूँगा। तो यहाँ पर मैसेज इन योर लाइव चैट और प्रोडक्शन अप्रिशिएट मैसेज फॉर रिव्यू, तो इसको अभी हमें ऐसे रहने देने, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट का ऑप्शन आता है। तो अभी मेरा चैनल ये जो है वो सब्जेक्ट में है और ये यूट्यूब चैनल से पार्टनर प्रोग्राम से नहीं हुआ। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जब आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ YouTube चैनल ऐप में, और वहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जी यहाँ पर जब आप ऐसे ओपन करेंगे YouTube ऐप में, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आपका चैनल शो हो जाता है। उसके बाद आपने अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके चैनल का जो नेम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद जो सब्सक्राइबर हैं जितने भी हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। उसके बाद जो आपकी रिसेंट वीडियोज़ होती हैं अपलोड वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाते हैं। उसके बाद प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पर मैंने अभी दो प्लेलिस्ट बनाई थी, यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग और यहाँ पर ये यह जो आपकी हैं जी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद चैनल है, यहाँ पर चैनल डज नॉट फीचर ऑन दिस चैनल, आपको कम्युनिटी जो होती है उसका भी मिल जाता है। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए तो फिर आपको कम्युनिटी का भी टैब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी मेरे पास नहीं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम है 1000 में से, तो चैनल डज नॉट फीचर एनी अदर चैनल। और यहाँ पर आपको जो आपके व्यूज़ हैं वो आपको बताए जाते हैं कि ये आपकी व्यूज़ आए हैं, और ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड ए वीडियो गो लाइव, तो यहाँ पर आपने गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो यहाँ से आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं किसी भी वेबकैम सॉफ्टवेयर के बगैर यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना लाजमी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है, जिन दोस्तों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया होता है, जिन दोस्तों ने आपको सब्सक्राइब किया होता है, कमेंट किया होता है, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन बाहर आपको शो हो जाती है। आप एक एक को देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं देख सकता हूँ जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया, सुनील शर्मा, और यहाँ पर है जी गाजी शहजाद, न्यू सब्सक्राइबर अवैस बसी, अली हफीज़, एडुकेशनल सिस्टम समी हरल, मोहम्मद शान, इस्लामिक चैनल। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप न्यू हैं, आपने न्यू चैनल बनाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काइन मास्टर का भी है, और यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो की ऑल कंप्लीट सेटिंग मैंने यहाँ पर बताई हुई है, एक एक चीज़ बताई, आप बीच में देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने और भी काफ़ी वीडियोज़ आपको बिना कर दिखाई हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप वीडियोस में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ये फिल्टर का,
तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं मोस्ट पॉपुलर, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपकी वीडियोस पॉपुलर में है वो आपको जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़ान। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्राउज़र जो होता है क्रोम, उसमें आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे मैनेज रख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो काइंडली आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलिए मैं अपने क्रोम में चलता हूँ और आपको ए टू जेड जो है वो सारी सेटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरा न्यू चैनल है मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसके आप सब्सक्राइबर चेक कर सकते हैं, 825 सब्सक्राइबर हैं। और ये तकरीबन मैं आपको स्टार्ट से बता, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड का। यहाँ पर आपको जो लास्ट वीडियो आपने अपलोड की होती है वो यहाँ पर शो हो जाती है। और यहाँ पर गो टू वीडियो एनालिटिक्स और यहाँ पर सी कमेंट, जो भी इसका एनालिटिक्स हो वो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और कमेंट्स भी। और इसके बाद ऑप्शन आपको मिल जाता है जी अब पब्लिश्ड वीडियो, जो लास्ट आपकी 4 से 5 वीडियोस होती हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं जो आपने पब्लिश्ड की होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपके सब्सक्राइबर की जो भी समरी होती है, जो आपकी टॉप वीडियोज़ होती हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। और उसके बाद लेटेस्ट जो होते हैं कमेंट्स आपकी वीडियो पर और रिसेंट जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होता है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। और यहाँ पर यूट्यूब की जो भी न्यू अपडेट होती है, जो भी आइडियाज़ होते हैं वो यहाँ पर आपको साथ साथ शेयर कर दिया जाता है। और नीचे एक आपको एक फीचर मिलता है व्हाट इज़ न्यू इन स्टूडियो, जो स्टूडियो बीटा आया है यूट्यूब का न्यू स्टूडियो, इसके बारे में आप कंप्लीट जो है कस्टमाइज वो आप यहाँ से सीख सकते हैं अगर आपको नहीं करना आता। तो उसके बाद चलते हैं कौन इन ऑप्शंस की जानब। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद चलते हैं हम वीडियोस की जानब कि इस सेक्शन में आपने क्या करना होता है और कैसे इसको आपने मैनेज करना होता है। यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो शो करवा दी जाएंगी। यहाँ पर आपको एक ये आइकन मिलता है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो लिखा है इसके साथ, जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख ले ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी सारी वीडियोस। आप इनको किसी प्लेलिस्ट में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, न्यू प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। और अगर आप इनको यहाँ से एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप सभी वीडियोस के, जब आप ऐसे करते हैं तो आप सभी वीडियोस के फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइटल्स लिखेंगे तो ऑल वीडियोस के टाइटल चेंज हो जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑल वीडियोस की चेंज हो जाएगी। और जी हमारे पास है जी टैग्स, टैग्स अगर आप लगाएंगे तो फिर ऑल वीडियोज़ के टैग्स भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर विजिबिलिटी है, ऑडियंस है, कैप्शन सर्टिफिकेट है और कैटेगरी है और कमेंट्स है, एम्बडिंग है, लाइसेंस है, रिकॉर्डिंग डेट है, यूज़र रेटिंग है, वीडियो लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी बहुत कमाल की जो आपको मैंने सेटिंग बताई है। और यहाँ पर मोर ऑप्शन के ऊपर आपने चले जाना है और यहाँ पर आपको डिलीट फॉर एवर या डाउनलोड, इसको आपने नहीं कुछ भी करना। और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जी, आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपने अपनी तैयार कर लेनी है, बना लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आप जो जो वीडियो बनाते हैं उनकी आपने ऐसे प्लेलिस्ट बना लेनी है। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताते हैं तो आपने उसकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनानी है। अगर आप जो है जी यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो उसकी अलग-अलग आपने प्लेलिस्ट, ऐसे आपने प्लेलिस्ट बना लेनी है। उसके बाद अभी आ जाता है जी एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपको शो करवा दूँ कि यहाँ पर आपको एनालिटिक्स में होता है जो ओवर रिव्यू,
ये आपके पूरे चैनल का ओवरव्यू होता है कि आपके चैनल पर क्या हो रहा है लास्ट 28 दिन तक क्या आपके चैनल पर होता रहा है, वो आपको रिसेंट रिपोर्ट जो होती है वो यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आपको व्यूज़ बताए जाते हैं कि व्यूज़ यहाँ पर आए हैं जी 1.1 हज़ार व्यूज़ आए हैं, और कितना वॉच ओवर आपको आया है, और सब्सक्राइबर आपको कितने मिले हैं, और यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाते हैं। और टॉप वीडियो जो होती हैं आपकी अच्छी चलने वाली वो भी आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं, और इनकी क्या ऑडियंस टेंशन है, क्या इनका जो है सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप साथ में देखें तो आपको एक एडवांस मोड का नज़र आता है। अगर आप एडवांस मोड में जाएंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ एडवांस मोड में। यहाँ पर आपको जो होता है ना, इसकी आप ट्रैफिक सोर्स देख सकते हैं, जियोग्राफी देख सकते हैं, और व्यूवर्स एज देख सकते हैं, व्यूवर्स जेंडर देख सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको इनकी रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं जो भी आपकी हो, जो पब्लिशिंग हो, डिवाइस हो, जियोग्राफी हो, सब्सक्रिप्शन स्टेटस हो। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ जी आउट, और यहाँ से चलते हैं जी बैक, और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका साथ जो है एनालिटिक्स यहाँ पर भी शो होता है चैनल का, जो जो भी आपके चैनल के साथ हो रहा है, और ये लेटेस्ट वीडियो होती है जो सबसे लास्ट वीडियो होती है वो यहाँ पर आपकी वहाँ पर भी शो होती है, यहाँ पर भी शो कर दी जाती है। उसके बाद रीच के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रीच है यहाँ पर सबसे पहले इम्प्रेशन शो करता है कि आपकी कितनी इम्प्रेशन पड़े हैं आपके चैनल के, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्लिक थ्रू रेट होता है जिसे हम CTR बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको शो करता है, और यहाँ पर 1.0 के जो है व्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर आपके अपने हो गए व्यूज़ शो करता है, यूनिक व्यूवर जो है जिन्होंने लास्ट आपकी वीडियो देखी है, और आपको जिनसे वाउचर मिला है वो भी यहाँ पर आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स है, और हमारे पास इम्प्रेशन है, और यहाँ पर व्यूज़ कितने आए हैं, इम्प्रेशन से 2100 इम्प्रेशन है जिनमें से 963 हैं, और यहाँ पर सारी सेटिंग्स वगैरह बताई गई हैं। और इंगेजमेंट इंगेजमेंट जो है वो यहाँ पर आपको वॉच हॉर्स भी दिखाई जाती है, और कितनी वीडियोस जो आपकी ऑडियंस है वो कितनी आपके साथ इंगेज कर रही है। उसके बाद ऑडियंस यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये ऑडियंस की लिस्ट होती है जो आपकी वीडियोस को वॉच करते हैं, यूनिक व्यूवर जो ऐसे मैंने आपको बताया ये होते हैं आपको यहाँ पर आपके चैनल पर मिल जाएंगे, और एवरेज व्यू पर व्यूवर और कितना होता है आपके पास ये, और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स। अब यहाँ पर वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर आपको दिखा देता है, टॉप पाकिस्तान कौन सी आपको कंट्री से आए हैं, और यहाँ पर आपको सब कुछ बता देता है, फीमेल मेल और कितनी एज है उनके जिन्होंने आपको किया है जी। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स पर आप आ जाए तो यहाँ पर आपको कमेंट्स दिखाए जाएंगे जिन्होंने रिसेंटली आपको यहाँ पर कमेंट किया होगा, तो यहाँ पर आपको कमेंट भी यहाँ पर शो करवा देगा कौन सी वीडियो पर किया है, सब कमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाए। उसके बाद आता है सबटाइटल्स का, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा सबटाइटल्स क्या होते हैं, आप सबटाइटल्स कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मेरी ये वीडियोस है, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर इस वीडियो में मैं सबटाइटल्स ऐड करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर इसका जो टाइटल है वो मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है, और जो वीडियो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैंने उर्दू में बताया हुआ है, तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में करूँगा तो इसकी मैं जो वीडियो लैंग्वेज है ना इसमें मैं ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें 5, 7, 15, 20 ज़ुबानें ऐड कर दूंगा तो जो बाहर की कंट्रीज़ होती है ना वो जब मेरी वीडियोस देखेंगी साथ मेरी लैंग्वेज फिर उनको समझ आएगी, क्योंकि वो जो सब टाइटल्स है वो खुद ब खुद चलेंगे और वो इंग्लिश में चल जाएंगे साथ, जैसे मैं उर्दू में बोलता जाऊँगा वो साथ इंग्लिश में चलते जाएंगे। तो ये भी बहुत कमाल की जो मैंने आपको सेटिंग बता दी है। उसके बाद हमारे पास कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो फिर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, नहीं मोनेटाइज तो फिर भी आपको शो हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देता है किसी भी किस्म की या कोई भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन टैब मिल जाती है। यहाँ पर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो है वो वॉच टाइम यहाँ पर आपको चाहिए। आप देख सकते हैं टू एज ए यूट्यूब पार्टनर यू विल बी एलिजिबल टू अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोज़, गेट क्रिएटर सपोर्ट एंड मोर। टू गेट इन टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यू चैनल नीडेड टू हैव 4000 पब्लिक वॉच ओवर्स फ्रॉम द लास्ट पर मंथ एंड 1000 सब्सक्राइबर। यू चैनल विल आल्सो गेट रिव्यू टू मेक श्योर दैट इट्स फॉलोअर्स। ठीक हो गया, यहाँ पर उन्होंने लिखा कि इट फॉलोअर्स। तो यहाँ पर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो वॉच टाइम है वो आपको जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नो का। आपने सिंपली सा करके अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक होता है पार्टनर प्रोग्राम का, दूसरा होता है जी गूगल एडसेंस का, तीसरा होता है जी हमारे पास जी वो रिव्यू का। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह कभी फिर बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको अभी मैं बता देता हूँ जी कस्टमाइजेशन का। ये हमारे पास एक कप्स मोनेटाइजेशन टैब के नीचे है जी कस्टमाइजेशन। तो ये जैसे ओपन होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करते हैं जी। ये हमारे पास कस्टमाइजेशन खुल गई है, चैनल मोनेटाइजेशन कस्टमाइजेशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है लेआउट, दूसरा मिलता है ब्रांडिंग, तीसरा मिलता है बेसिक इन्फो। अब सबसे पहले लेआउट में क्या है, चैनल ट्रेलर है। आप अपने चैनल के स्टार्ट में जब कोई आपके चैनल पर आएगा तो आप एक वीडियो लगा सकते हैं जिसको आपने काफ़ी सारे आपके सब्सक्राइबर हों और जिसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ है, ताकि जो अगला बंदा है व्यूवर आए वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ताकि उसको देखने में अच्छा लगे कि इसके चैनल पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और ये भी काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी हैं जो होती हैं, अभी आई थिंक आने वाला है वो भी फ्यूचर। तो अभी ये सेक्शन आ गया है स्टूडियो बीटा में, इंशाल्लाह वो भी यूट्यूब में भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपकी वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर अपने कोई भी जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो लगाना चाहते हैं अपने ट्रेलर में तो यहाँ पर आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो सेलेक्ट करनी आपकी लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ब्रांडिंग का। तो ब्रांडिंग में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, पहला होता है आपका लोगो, दूसरा होता है चैनल आर्ट जिसे हम बैनर भी कहते हैं, और तीसरा होता है ये जो नीचे आपको लोगो होता है डिस्प्ले टाइम वाटरमार्क जो नीचे होता है ना, अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये खुद ब खुद सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग होती है। सबसे पहले आपने अगर अपना लोगो लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू, या इसको पहले अगर आपका लगा हुआ है तो इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से चेंज करेंगे तो लोगो लग जाएगा। ये भी बिल्कुल तीनों सेटिंग ऐसे ही है, तो ये भी आपने ज़रूर कर लेनी है ताकि जो भी आपके चैनल को देखे तो उस आपके चैनल की अच्छी लुक उसको नज़र आए। उसके बाद बेसिक इन्फो में आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और अपने चैनल का नाम आपका लगा होगा या नहीं लगा तो आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख कर आपका जो URL है वो यहाँ पर आपको शो होगा, चैनल का जो URL होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिंक ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपकी कोई फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और भी कोई आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं कि कोई भी व्यूवर आपके चैनल पर आए और वो आपके साथ इंस्टाग्राम पर अटैच हो सकता है, फेसबुक पर हो सकता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि ट्विटर है उस पर हो सकता है, और जो हमारे पास टेलीग्राम है सभी आप लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाता है जिसमें आप अपना नंबर भी दे सकते हैं और अपना जीमेल भी दे देते हैं, ठीक है। जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने कर देना, और उसके बाद आपने यहाँ पर पब्लिश ऊपर क्लिक कर देना, और साथ में आपको एक छोटा सा आइकन मिलता है व्यू चैनल का, तो इसको मैं लेकर आपको चलता हूँ। तो यहाँ से अभी इसको मैं बैक करता हूँ, ये स्टूडियो बीटा में ऐसे नहीं खुलता, मैं आपको दोबारा इसका बताऊँगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पर जी हमारे पास जो होती है लाइब्रेरी आई थिंक, तो ऑडियो लाइब्रेरी में हम आ जाते हैं। यूट्यूब के जो ऑफिशियल जो होता है जी म्यूज़िक ऑडियोज़, यहाँ पर आप कोई भी जो है ना
ऑडियो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, कॉपीराइट, और ये यूट्यूब की है, इसके ऊपर आपको कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। और जो यूट्यूब की सारी होती हैं ये आप फ्री होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऊपर कैटेगरी भी मिल जाएंगी इनकी, आप यहाँ पर लाइब्रेरी फिल्टर लगा कर भी जो आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक टाइटल मिल जाता है, जेनर मिल जाता है, मूड मिल जाता है, आर्टिस्ट मिल जाता है, ड्यूरेशन, लाइसेंस टाइप, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि किस किस को तरीकों ये एडिट यहाँ पर हुई हैं, लगाई गई हैं। और ये बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ये लाइब्रेरी में सॉन्ग। और उसके बाद आ जाते हैं सेटिंग का ऑप्शन, तो मैं इसके बारे में आपको भी बता दूँ। यहाँ पर आप जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा चैनल का, नहीं सॉरी जनरल का, और उसके बाद चैनल का, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स का, परमिशंस का, कम्युनिटी का, एग्रीमेंट्स का। ठीक है, आपने यहाँ पर सबसे पहले जनरल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास करेंसी जो होगी वो USD US डॉलर में होगी। अगर आप इसको इंडिया में, पाकिस्तान में, अपने में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इसको USD डॉलर ही रहने देना है। यहाँ पर मैं इसको USD डॉलर ही कर दूँगा। यहाँ से मैं एक बार इसको कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको जी US डॉलर ही रहने देना। और भी बहुत सारी आपको पाकिस्तानी भी मिल जाती हैं करेंसीज, इंडियन करेंसी, सऊदी अरबी, और भी बहुत सारी करेंसीज आपको मिल जाती हैं जैसे कि यमनी रियल, साउथ अफ्रीकन, तो बहुत सारी, लेकिन आपने इसको USD US डॉलर पे ही रहने देना है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको चैनल का, चैनल में आपको मिल जाता है जी, सबसे पहले आपको मिल जाता है जी बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में आपका मिल जाता है जी आपके चैनल का नाम, जो भी आपका चैनल का नाम हो वो यहाँ पर आपको शो होगा। फिर आपको कंट्री शो होगा कि आपका चैनल किस कंट्री में है। उसके बाद आपको ऑप्शन शो होगा कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने नहीं लगाए अपने यूट्यूब चैनल में तो आप अभी के अभी लगाएं। इसमें फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि इसमें अगर आपका चैनल रैंक नहीं हो रहा और टॉप पे नहीं आ रहा तो आपका जो चैनल है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरा चैनल है टेक्निकल फैज़ान, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा फैज़ान टेक्निकल, टेक्निकल फैज़ान, तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी बंदा सर्च करेगा तो मेरा चैनल वो थोड़ा सा उससे रैंक करेगा तो मेरा चैनल उसको इजीली से मिल जाएगा। अगर आप ये कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो फिर आपका चैनल हो सकता है कि सर्च में ना आए, तो इसलिए ज़रूरी है आप इस कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि बात ऐसी है कि व्यूवर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो एक बार सर्च करता है, अगर आपका चैनल आ गया तो फिर वो आपकी वीडियोस को देख लेता है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, अगर नहीं आया तो फिर गया बाढ़ में। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया सिस्टम सारा, आपने कीबोर्ड चुन चुन के लगा लेने जो भी आपके चैनल में, और साथ जिस चीज़ पर आप वीडियो बनाते हैं 4 से 5 कीबोर्ड वो भी आपने यहाँ से लगा लेने हैं। अगर कोई वीडियोस आपकी सर्च करेगा तो फिर भी आपका चैनल सर्च में आ सकता है, तो इसलिए आपने जो टॉप पर आपकी वीडियोस हैं वो आपने यहाँ पर 4-5 लगा देने हैं, जिस पर आप अपने चैनल पर कैटेगरीज को कंट्रोल करते हैं, जिस पर आप वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में सबसे पहले आपको ऑडियंस मिल जाती है, उसके बाद आपको मिल जाता है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड, क्या आपका जो चैनल है वो बच्चों के लिए है। तो आपका अगर चैनल यहाँ पर किड्स के लिए है तो आपने यहाँ पर कर देना है यूएस माई चैनल जो है सेट द चैनल मेड फॉर किड्स, आई मैंने हमेशा जो कंटेंट अपलोड किया है वो बच्चों के लिए किया। अगर आप नहीं बच्चों के लिए करना करते और आपकी वीडियो जो है वो बड़े लोगों के लिए जैसा कि चिल्ड्रन के, बच्चों के लिए नहीं है, तो आपने यहाँ पर कर देना नो सेट दिस चैनल आई एज नॉट मेड फॉर किड, आई नेवर अपलोड कंटेंट ऑफ योर मेड फॉर चिल्ड्रन, कि मैं बच्चों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, मैं कभी भी नहीं बनाई, और मेरा कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, तो आपने यहाँ पर कर देना। असल में इसमें मसला क्या होता है, अगर आप ये वाला करोगे तो आपको इनकम भी बहुत कम आएगी जो किड्स वाला है, सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो इस पर आपको इनकम भी कम होगी और आपको व्यूज़ भी कम आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर करेंगे नॉट मेड फॉर किड्स
तो आपको यहाँ से इनकम अच्छा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, तो यहाँ से आप अपना जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक कर सकते हैं अपनी वीडियोस के साथ। तो यहाँ पर भी अभी ये ऑप्शन देखने को अपडेटेड मिल चुका है चैनल में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जी ऑटो जनरेटेड कैप्शंस, डू नॉट शो, डू नॉट शो पोटेंशियली इन अप्रोचिएट्स वर्ड, तो ये आपको यहाँ पर ऑफ ही रखना है, डिसेबल ही रखना है इसको आपने, जो ऑटो जनरेटेड कैप्शन होता है इसको आपने वो डिसेबल। अब यहाँ पर आपको पता लग जाएगा सब्सक्राइबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर आपके यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर कम है आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको अनटिक करेंगे तो आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अगर आप इसको टिक करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो सब शो हो जाएंगे देखने वाले व्यूवर्स को। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है तो इसको भी आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूँ जी फ्यूचर अवेलेबिलिटी में कि आपको कौन कौन से फ्यूचर यहाँ पर मिले हुए हैं। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट फ्यूचर्स है अपलोड वीडियो, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड सेलिब्रेशन और आप कर सकते हैं जी कलेबरेट्स एंड न्यू वीडियोस टू प्लेलिस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको करता हूँ जी ओपन, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फीचर में हमें कौन कौन से फीचर मिले हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ऐड सेलिब्रेटर्स टू प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियोस टू एक्सिस्टेंस प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन चैनल इज़ फ्री, यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर शो होती है, पहले होता था स्टेटस एंड फीचर, अभी आई थिंक यूट्यूब ने ये मामला ही ख़राब जो है ख़राब करके ख़त्म कर दिया। अभी यहाँ पर भी जो आपकी स्ट्राइक होती है वो आपको शो हो जाती है। यहाँ पर चैनल इज़ फ्री फॉर एक्टिव कम्युनिटी, अभी इसके ऊपर कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं, एकदम फ्रेश और फ्री चैनल है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है जी, आप देख सकते हैं कि फ्यूचर जो सेकंड ऑप्शन हमें प्रोवाइड होता है फ्यूचर दैट रिक्वायर्ड फ़ोन वेरिफिकेशन, तो आपने ये ज़रूर कर लेनी है, अगर आपने नहीं की अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई इसमें कर लेना है, तो मैंने किए हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल्ड है। तो अभी अगर आप फ़ोन नंबर कर लेंगे तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद कस्टम थंबनेल अपना लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपील कॉन्टैक्ट ID क्लेम्स कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और अभी आपका मैं बताता हूँ अपलोड डिफॉल्ट्स का कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैं अपलोड डिफॉल्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है जी एडवांस्ड। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता दूँ कि यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर कोई टाइटल लगाना है तो वो आपकी सारी वीडियो में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, अपलोड डिफॉल्ट्स का ये मतलब होता है। डिस्क्रिप्शन का भी यही होता है कि अगर आपने जैसे को कीवर्ड्स लगाने हैं, हैशटैग लगाने हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वो ऑल वीडियो में आपके यूज़ होंगे पूरी ज़िंदगी, अपलोड डिफॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी है वो आपने यहाँ से करनी है जी प्राइवेट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्राइवेट करेंगे तो फिर ही आप अपनी वीडियोस को अपलोड करके फिर आप उसको पब्लिक करेंगे, प्राइवेट में ही आपको करना है, आपको स्टार्ट में ही पब्लिक नहीं करना, तो इसलिए इसको यहाँ पर आपने प्राइवेट ही रखना है। उसके बाद टैग्स जो है वो आपने यहाँ पर जो अपने लगाना चाहते हैं ये टैग्स आपकी वीडियोज़ के नीचे पहले से लगे हों, जब वीडियो अपलोड करें तो यहाँ पर जितने भी टैग्स हैं वो आपने लगा दें, और यहाँ से सेव के ऊपर आपने जी कर लेना जी क्लिक, सेटिंग सेव्ड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है परमिशन का, तो यहाँ पर हमारे पास परमिशन जो आपके चैनल का नाम है वो यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर नेम उसका शो होगा और एक्सेस यहाँ पर आपको शो होगी कि ये जो चैनल है कितनी ईमेल आईडी पे एक्सेस है और इसका ऑनर कौन है और कौन इसे हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसकी ईमेल होगी, जो उसका ऑनर होगा, वो यहाँ पर शो कराएगा कि ये इसका ऑनर है।
आप इसको बदल भी सकते हैं, आप यहाँ पर इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी और को भी इसका ऑनर बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जी कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है ऑटोमेटेड फिल्टर, दूसरा मिलता है डिफ़ॉल्ट। तो मॉडरेटर्स, पेस्ट ऑफ चैनल यूआरएल ऐड और अप्रूव्ड यूज़र, और यहाँ पर आपका पेस्ट द चैनल यूआरएल ऐड अप्रूव्ड यूज़र। तो इसके बारे में आपको नहीं जाना, ये आपको इसके बदले में नहीं जाना। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जी डिफ़ॉल्ट का, तो यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियोस के कमेंट जो हैं वो आप होल्ड करना चाहते हैं, पोटेंशियली इन अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ये कमेंट फॉर रिव्यू होल्ड ऑल कमेंट, तो आप यहाँ पर होल्ड ऑल कमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर होल्ड ऑल कमेंट करूँगा कि मैं जो भी मुझे कमेंट करे वो मुझे शो हो। उसके बाद यहाँ पर कमेंट योर डेजिनेशन टैब, यहाँ पर भी मैं अगर आप करना चाहें कमेंट को डिसेबल भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, इन अप्रिशिएट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी हेलो ऑल कमेंट पर करूँगा, तो यहाँ पर मैसेज इन योर लाइव चैट और प्रोडक्शन अप्रिशिएट मैसेज फॉर रिव्यू, तो इसको अभी हमें ऐसे रहने देना है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट का ऑप्शन आता है, तो अभी मेरा चैनल ये जो है वो सब्जेक्ट में है और ये यूट्यूब चैनल से पार्टनर प्रोग्राम से नहीं हुआ। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जब आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक, और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ YouTube चैनल ऐप में, और वहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जी यहाँ पर जब आप ऐसे ओपन करेंगे YouTube ऐप में, तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा आपका चैनल शो हो जाता है। उसके बाद आपने अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके चैनल का जो नेम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद जो सब्सक्राइबर हैं जितने भी हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। उसके बाद जो आपकी रिसेंट वीडियोज़ होती हैं अपलोड वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाती हैं। उसके बाद प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पर मैंने अभी दो प्लेलिस्ट बनाई थी, यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग और यहाँ पर ये जो आपकी हैं जी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद चैनल है, यहाँ पर चैनल डज नॉट है फ्यूचर ऑन दिस चैनल, आपको कम्युनिटी जो होती है उसका भी मिल जाता है जी। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए तो फिर आपको कम्युनिटी का भी टैब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी मेरे पास नहीं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम है 1000 में से, चैनल डज नॉट फ्यूचर एनी अदर चैनल, और यहाँ पर आपके जो आपके व्यूज़ हैं वो आपको बताए जाते हैं कि ये आपके व्यूज़ आए हैं, और ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड ए वीडियो गो लाइव, तो यहाँ पर आपने गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो यहाँ से आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं किसी भी वेबकैम सॉफ्टवेयर के बगैर, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना लाजमी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है, जिन दोस्तों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया होता है, जिन दोस्तों ने आपको सब्सक्राइब किया होता है, कमेंट किया होता है, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन बाहर आपको शो हो जाती है। आप एक एक को देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं देख सकता हूँ जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया, सुनील शर्मा, और यहाँ पर है जी गाजी शहजाद, न्यू सब्सक्राइबर अवैस बसी, अली हफीज़, एडुकेशनल सिस्टम समी हरल, मोहम्मद शान, इस्लामिक चैनल, तो यहाँ पर जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं।
और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप न्यू हैं, आपने न्यू चैनल बनाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काइन मास्टर का भी है और यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो की ऑल कंप्लीट सेटिंग मैंने यहाँ पर बताई हुई है। एक एक चीज़ बताई आप बीच में देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने और भी काफ़ी वीडियोस आपको बिना कर दिखाई हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप वीडियोस में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ये फिल्टर का, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं मोस्ट पॉपुलर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपकी वीडियोस पॉपुलर में है वो आपको जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।